मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 103 प्रत्याशियों का चुनाव लड़ने की योग्यता खत्म हो सकती है। जी हां, चुनाव आयोग ने इन 103 कैंडिडेट पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं और प्रदेश में नई सरकार भी बन गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों ने अब तक चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव के किए खर्चों का ब्यौरा पेश नहीं किया है। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने इन लोगों को अगली कार्रवाई का भी नोटिस थमा दिया है। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 103 उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया था, जबकि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 2899 थी। लेकिन बाद में ज्यादातर उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को खर्च का ब्यौरा पेश कर दिया था। वहीं अब भी 103 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने आयोग को खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले 103 उम्मीदवारों की भविष्य में चुनाव लड़ने की अहर्ता पर रोक लग सकती है। चुनाव आयोग इन 103 उम्मीदवारों को 1 महीने का और मौका देते हुए खर्च का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। इस अवधि में अगर वह खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं तो चुनाव लड़ने की अहर्ता समाप्त कर दी जाएगी। 99 कैंडिडेट में से 103 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना खर्चा का ब्यौरा नहीं दिया है। हमने उनको ये नोटिस जारी किया है कि जो 30 दिवस का जो पीरियड है वो पीरियड खत्म हो गया, और यदि वो नहीं देते हैं तो उनको उनकी जो अर्हता है चुनाव लड़ने की आने वाला, तो वो अर्हता खत्म कर दी जाएगी। ऐसी नोटिस हमने जारी की। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।